नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। रोड न बनाए जाने को लेकर आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने किया ग्राम पंचायत का घेराव। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लाठ गांव में 30 सालों से नहीं बनी रोड के चलते रोड न बनाए जाने से यहां के लोग सालों से परेशान हैं और नरक की जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा यहां लंबे समय से शिकायत के बाद भी कोई भी प्रकार से रोड नहीं बनाई गई, जिसमें ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और महिलाओं को इस कच्ची सड़क से आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, जिससे गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर ग्राम पंचायत पहुंचकर आक्रोशित अंदाज में पंचायत का घेराव किया। लोग 40 मकान बारे इस रोड पे लाठगांव ग्राम पंचायत में, मेन रोड ढूमर रोड से लाठगांव से जो शनिदेव के मंदिर के पास लाठगांव ग्राम पंचायत भी आपको दिखा रही है। इसमें माने 40 मकान बारे है, हर बच्चा लागे, बुजुर्ग से लागे, बच्चे तो लागे बहुत परेशान है। बरसात में लाग बहुत ज़्यादा परेशान, कीड़ा कांटे भी निकलते हैं, झाड़ी भी लगी है, गड्ढे भी हैं, 3 फुट 4 फुट गहरे गड्ढे भी, 2 फुट गहरे भी, 4 इंच गहरे गड्ढे भी हैं। पानी अभी भी भरा है इस रोड में, आपने देखा है, थोड़ी 8 दिन से मौसम खुला है तो गड्ढे सूख गए कछु, है ना। बच्चे लोग डबल कपड़े लेकर आते हैं स्कूल ग्राम पंचायत के लिए, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, यहाँ सती माता का मंदिर भी है। तो इसलिए ग्राम पंचायत बारे बोलते हैं कि जो PW में, PW बारे बोलते ग्राम पंचायत वाले। तो लाठगांव ग्राम पंचायत वाले 34-30 साल से बनाते जनता लोगों ने, खूब रुपया निकलवाते और खाते है ना, ना गड्ढा को निर्माण करवाते, ना गड्ढा खुदवाते, ना नाली कटवाते, ना झाड़ी छटवाते, अभी इसमें कुछ नहीं होता 30 साल से। सरपंच से रोड बनाने की मांग की, वहीं पंचायत के सरपंच ग्रामीणों को अपनी सफाई देते नजर आए। इसको 33 वर्ष हो गए जे रोड, सब लोग बताते PWD में, हम लोगों ने भी उसका खोज किया तो PW वाले बोलते हम बनाएंगे जी, वर्ष चलने लगती जब बैठा। अभी इतने पूर्व समय तक क्यों नहीं किया गया? सर जी, इसके आगे अपन जानकारी नहीं, जो भी है अपने समय की जो अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने एक बार खोलने की कोशिश की थी उसमें रोजगार गारंटी में, तो वो नहीं खोला। तो ये इस बार का पक्का है कि ये रोड कहाँ सर जी खोल लेंगे अपन? तो कब से बनना शुरू हो जाएगी सर जी? लगभग 1-1.5 महीने लगता है इस कार के शुरू होने में। अब वो कहा आप जानते तो सब लोग देर ही लगता है। जब इस पूरे मामले में गोटेगांव जनपद CEO से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि लंबी रोड होने के कारण उसको पंचायत के बजट में आने के बाद टुकड़ों टुकड़ों में बनाने की बात कही। क्योंकि लंबी है रोड, लंबी रोड होने के कारण यदि CC रोड बनाई जाती है तो उसका जो एस्टीमेट है बहुत ज़्यादा जाना है। तो उसको अभी ग्राम पंचायत से मैंने जब बात करी तो ग्राम पंचायत से हमको ये जानकारी मिली है कि वो रोड बनना स्टार्ट हो गई है और टुकड़े टुकड़ों में करके उसको बनाया जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत जो जो कार्य तय किए हैं उसकी प्राथमिकता की श्रेणी में काम लिए जाते हैं। और चूंकि ये रोड में इतना ज़्यादा एस्टीमेट बनता कि पूरी राशि जब खत्म होने के बाद भी वो रोड पूरी नहीं बन पाती है ना, तो अभी जो राशि उनके पास थी पर्याप्त, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उन लोगों लगभग 150 मीटर रोड अभी बना रहे हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे इनकी कार्य योजना GPDP में दिखेगी, कार्य योजना के हिसाब से जो उन्होंने तय किया है उसको टुकड़े टुकड़े में जोड़ते हुए वहाँ तक, यदि अन्य मद से, विधायक मद से या अन्य मद से राशि कहीं से ग्राम पंचायत को मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो जल्दी पूरी रोड बन जाएगी। गोटेगांव से अरुण लोधी की रिपोर्ट।